गुड मॉर्निंग एवरीवन, नए साल की आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आप अच्छे से न्यू ईयर में नए रिजोल्यूशन लीजिए और अच्छे से अपने टारगेट को अचीव कीजिए, यही हमारी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। आज 1 जनवरी 2024 है, तो आज से हम नई दिशा में बढ़ते हुए नए तरीके से नए सिस्टम में इनिशिएशन करेंगे। तो पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो फ्रंट पेज पर आया है वो हौती से रिलेटेड है। देखो, हम बहुत सारे न्यूज़पेपर से आर्टिकल लेते हैं, मगर हमारे न्यूज़पेपर डिस्कशन की एक खासियत होती है कि हम हॉलिस्टिक न्यूज़ को कवर करते हैं, कोई चीज़ छोड़ते नहीं है। जैसे आप फाइनेंस कमीशन पढ़ेंगे तो पूरा फाइनेंस कमीशन हमारे द्वारा कवर किया जाएगा, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत ना हो। तो पहला क्या है, हौती से रिलेटेड आर्टिकल है। देखो क्या हुआ है, हौती लगातार रेड सी रीजन में अटैक कर रहा है। अब ये रेड सी वाला जो रीजन है, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं। ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे हौती हो गया, हमास हो गया, हिजबुल्ला हो गया लेबनान में। तो पहले हमें पता होना चाहिए ये रिवेल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ कहाँ वर्क करते हैं। देखो मैं आपको ये बता देता हूँ, हौती जो है यमन में वर्क करता है, आपको ये 110% रटा होना चाहिए। हौती यमन में है, हिजबुल्ला लेबनान में है, और हमास जो है वो गाज़ा में। तो ये तीन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ड्यू टू पैलेस्टाइन एंड इज़राइल कन्फ्लिक्ट। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हौती एक्टिव कहाँ रहता है और कौन सा रीजन। पहले आप यमन देख लो, अगर आप यमन देखोगे तो यमन का ये बॉर्डर मिल रहा है। यमन के बॉर्डर से कौन कंट्री बॉर्डर मिला रही है, ये देखो, ओमान मिल रहा है, सऊदी अरेबिया मिल रहा है, यहाँ पर रेड सी है, यहाँ बाबल मंदाब है, यहाँ गल्फ ऑफ एडन है। अब क्या होता है, यहाँ से सी ऐसे गुजरते हैं, अब ऐसे स्ट्रेट से होते हुए गुजरते हैं, स्वेज कनाल से होते हुए ऐसे इंडिया में आते हैं, कुछ इंडिया से गुजरते हैं, कुछ अमेरिका। तो यहाँ पर हौती के द्वारा अटैक किया जाता है ये बॉर्डर एरिया में, ये बॉर्डर। तो ये हमें पता होना चाहिए कि बाब अल मंदाब जो स्ट्रेट है वो कौन कौन से सी से मिलती है। देखो आप स्ट्रेट किसे बोलते हैं ये भी आपको पता नहीं, हर चीज़ आपको एक उसकी डेफिनेशन प्रॉपर पता होना चाहिए। स्ट्रेट वो वाटर बॉडी होती है जो बहुत नैरो होती है और दो लार्जर वाटर बॉडी को मिलाती है, ठीक है, इसे बोलते हैं स्ट्रेट। ऐसी इस्थमुस होती है, इस्थमुस भी इसी तरह की डेफिनेशन होती है। तो इस तरह से जो दो वाटर बॉडी को मिलाती है उसे स्ट्रेट बोलते हैं, और इस्थमुस बोलते हैं दो लार्जर लैंड बॉडी को मिलाती है। जैसे क्या है, पनामा इस्थमुस, पनामा है। अब क्या है, दो लैंड बॉर्डर मिल रहे हैं, आगे इधर साउथ अमेरिका, इधर नीचे साउथ अमेरिका, इधर नॉर्थ अमेरिका, तो दो बॉर्डर मिल रहे हैं। ये इस्थमुस की डेफिनेशन है और स्ट्रेट की डेफिनेशन, ठीक है। तो इस तरह से हमें डेफिनेशन भी हर चीज़ की पता होना चाहिए, और हमें ये भी पता होना चाहिए कौन सी चीज़ क्यों न्यूज़ में है, क्या रीज़न है उस न्यूज़ को कवर करने का। देखो हमें हेडलाइन मिली कि यूएस नेवी ने अटैक किया है हौती के वेसल्स पर। अब आपको दिमाग में आना चाहिए, हौती तो चलो यमन में हो गए, हिजबुल्ला का भी सुना है वो लेबनान में एक्टिव है, और हमास का तो हम डेली सुनते आ रहे हैं तो गाज़ा में। तो ये तीन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैंने एक चीज़ हाईलाइट की है, ये यूपीएससी ने 2022 में क्वेश्चन पूछा था, ये आइलैंड है यमन का, आपको इस आइलैंड का नाम बताना। आगे इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जाती है। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप ध्यान नहीं देते होंगे, बस न्यूज़ पढ़ते होंगे, चलते बनते होंगे। आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से देखोगे बाब अल मंदाब कितना नीचे है, ये बाब अल मंदाब। गल्फ ऑफ हरमुज देखो, हरमुज स्ट्रेट ऑफ हरमुज, सॉरी स्ट्रेट ऑफ हरमुज कतई एकदम जस्ट ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। आपको पता होना चाहिए स्ट्रेट ऑफ हरमुज से जो वाटर बॉडी मिलती है, पहली मिलती है पर्सियन गल्फ और दूसरी मिलती है क्या कहते हैं अरेबियन सी। तो ये दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जबकि आप बाब अल मंदाब से देखोगे तो आप पहली वाटर बॉडी मिलती है रेड सी और दूसरी वाटर बॉडी मिलती है गल्फ ऑफ एडन। और मैंने आपसे पूछा ये यहाँ पर एक आइलैंड है उसका नाम आपको बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट पहली फ्रंट पेज की न्यूज़ थी। दूसरी न्यूज़ जो रिलेटेड है वो हमारे 16th फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। क्या है, 16th फाइनेंस कमीशन के जो हेड बनाए गए हैं वो हमारे नीति आयोग के फर्स्ट वाइस चेयरमैन रह चुके अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया। आपको पता होगा जब नीति आयोग 2016 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ
तो उस टाइम पर वाइस चेयरमैन भी चूज किए जाते हैं, वाइस चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चूज किए जाते हैं, और अरविंद पनगड़िया साहब को उस टाइम वाइस चेयरमैन चूज किया गया। ठीक है, तो ये हमारे नीति आयोग के फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे, और अब जो फाइनेंस कमीशन के हेड बनाए गए हैं वो भी अरविंद पनगड़िया साहब हैं। तो इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें क्या है, टर्म ऑफ रेफरेंस गवर्नमेंट के द्वारा दे दिया गया। देखो आप देखेंगे यहाँ पर जो टर्म ऑफ रेफरेंस है इसको गवर्नमेंट के द्वारा ग्रीन लाइट दे दी गई है। मतलब टर्म ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के कुछ दिशा निर्देश, किसी भी कमेटी की जब रिकमेंडेशन आती है उससे पहले गवर्नमेंट दिशा निर्देश देती है कमेटी को कि आप इस दिशा में अपनी रिकमेंडेशन दीजिए, जैसे कि कैसे पंचायत को मजबूत करें, इस दिशा में अपनी रिकमेंडेशन दीजिए। दूसरी आपसे पूछेगा कि कैसे सेंट्रल के फाइनेंसेस को बढ़ाया जाए ताकि हम स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। तो इस तरह के टर्म ऑफ रेफरेंस को ही हम गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, और इसे हम टर्म ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब आप एक चीज़ और जान लो क्या होगा, देखो 16th फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है वो स्टार्ट होगी अप्रैल 2026 से। आप सोचोगे यार 16th फाइनेंस कमीशन 2026 से स्टार्ट होगा, 2024 चल रहा है अभी से, हाँ दो ढाई साल पहले से क्या होता है, कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है, उसके एक डेढ़ साल के अंदर कमीशन की रिकमेंडेशन आती है, कुछ रिकमेंडेशन में प्रॉब्लम होती है तो गवर्नमेंट रीस्टेबलाइज करती है कमीशन को। ठीक है, आप अगर देखोगे तो 15th फाइनेंस कमीशन ऐसा कमीशन था जिसको गवर्नमेंट ने 6 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया, पहले 1 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया, फिर दूसरी बार 5 साल के लिए किया गया। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, आपको ये बिल्कुल हटी नहीं होना चाहिए कि 15th फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में बनाया जाता है, केवल 5 साल के लिए ही बनाया जाता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा वहीं आपका ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीज़ें पता होना चाहिए। अब क्या है, टर्म ऑफ रेफरेंस में 16th फाइनेंस कमीशन में जो छोटी छोटी चीज़ें वो आपको पता होना चाहिए, जैसे डिवीज़न ऑफ टैक्स प्रोसीड्स क्या होगा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कि कैसे टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कि सेंटर कितना टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को देगी। आपको आपने सुना होगा कि 14th फाइनेंस कमीशन में गवर्नमेंट ने क्या किया था, सेंटर का टैक्स सॉरी स्टेट का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन 32 से बढ़ाकर 41% कर दिया गया था, कोरोना के आने के बाद 42 कर दिया गया, कोरोना के आने के बाद इसे 41% कर दिया गया। क्यों कर दिया गया था ऐसा, ऐसा इसलिए किया गया था, देखो टर्म मतलब जो टैक्स डिवीज़न इसलिए बढ़ाया गया था, स्टेट्स की शिकायत थी कि जीएसटी के आने से क्या होगा, हमारा जो है रेवेन्यू घट जाएगा, और रेवेन्यू जो है वो सेंटर के पास ज़्यादा जाएगा और हमें जो है बहुत लेट मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि हम टैक्स डिवोल्यूशन ही बढ़ा देंगे, कि दो सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्स डिवोल्यूशन है उसे बढ़ा देंगे। मैंने यहाँ एक वर्ड यूज़ किया था वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, आपको बताना है कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस। ठीक है, प्रिंसिपल फॉर ग्रांट्स इन एड, अब बताया जाएगा फाइनेंस कमीशन के द्वारा कि किस तरह से आप किस स्टेट को कितनी ग्रांट देंगे। देखो कुछ वॉलंटरी ग्रांट होती हैं, कुछ स्टेचुटरी ग्रांट होती हैं। आर्टिकल 275 में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये जिम्मेदारी है या सेंट्रल गवर्नमेंट की विल है वो किस स्टेट को कितनी ग्रांट देती है। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, फाइनेंस कमीशन कहती है कि आप जो ग्रांट है वो इस तरह से देना कि ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, उन लोगों को देना या उन स्टेट को देना ताकि जिनका टैक्स डिवोल्यूशन कम है, जिनके पास टैक्स रिसोर्सेज कम है, जैसे बिहार को बहुत ज़्यादा मिलती आई है, बहुत सारे स्टेट जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं टैक्स को कलेक्ट करने में, डेमोग्राफिक डिविडेंड में, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मिलती आई है। ठीक है, आगे क्या बताया गया, इन्हेंस द स्टेट फंड फॉर लोकल बॉडी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा कि फाइनेंस कमीशन से कि भाई कोई ऐसी रिकमेंडेशन दीजिए कि स्टेट फंड बढ़ सके, जिससे क्या हो कि पंचायत और म्यूनसिपालिटी में वेलफेयरिज्म आए, पंचायत में ज़्यादा रिसोर्सेज हों, पंचायत में रोड डेवलपमेंट हो, पंचायत में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, गांव लेवल पर डिसेंट्रलाइजेशन बढ़े, तो इस तरह की रिकमेंडेशन मांगता है। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या रिकमेंडेशन दे सकते हैं, ये सब टर्म ऑफ रेफरेंस हैं जो टर्म ऑफ रेफरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके
प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में काम आएंगे। अब आप देख लो कि फाइनेंस कमीशन कब आया था। देखो फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसे आर्टिकल 280 तहत के तहत स्टेबलाइज किया जाता है। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टेचुटरी बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में डिफरेंस हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जिक्र होता है। स्टेचुटरी बॉडी वो बॉडी होती है जिसे लॉ के थ्रू बनाया जाता है पार्लियामेंट में, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या एग्जीक्यूटिव बॉडी वो होती है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी विल से बना देती है, उनकी कोई भी स्टेचुटरी बैकिंग नहीं होती है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में उसका जिक्र नहीं होता है। ठीक है, अब फाइनेंस कमीशन क्या करता है? फाइनेंस कमीशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फाइनेंस रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है स्टेट और सेंटर के बीच में। कितना सेंटर के पास रहेगा, कितना स्टेट के पास रहेगा। 15th फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2017 में और इसकी रिकमेंडेशन लागू हुई थी 1 अप्रैल 2020 से। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 2025 तक ये चलेंगी और 15th फाइनेंस कमीशन को हेड किया था एन के सिंह ने। आपको ये रटा होना चाहिए, एन के सिंह जो है वो इसके चेयरपर्सन थे 15th फाइनेंस कमीशन के। अब 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन अरविंद पनगड़िया जी बन चुके हैं। अब आप क्राइटेरिया देख लो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस इतना जो सारा डिस्कस किया है वो सब बेकार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी टफ क्वेश्चन पूछती है, ईजी क्वेश्चन नहीं पूछेगी कि फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 280 में जिक्र है, ये सब नहीं। अब जो था देखो, मैंने आपको बताया पहले 15th फाइनेंस कमीशन एक साल के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया, मतलब उसकी रिकमेंडेशन एक साल लागू हुई, फिर दोबारा से रिकमेंडेशन आई तो फिर से लागू की गई। तो कुल मिलाकर टोटल फाइनेंस 15th फाइनेंस कमीशन का जो टाइम है वो 6 साल है। ठीक है, आप देखेंगे। अब इसमें देखो इनकम डिस्टेंस जो है, इनकम डिस्टेंस का क्या मतलब है, मैं आपको एक एक चीज़ बताता जा रहा हूँ। इनकम डिस्टेंस कहते हैं कि आपके स्टेट के पास रिसोर्सेज की कमी है और वो टैक्स के थ्रू जो जो किसी के भी थ्रू जो इनकम कमाते हैं वो कम पड़ जाती है। तो 14th फाइनेंस कमीशन में ये 50% था, ये घटाकर 45% कर दिया गया। ठीक है, एरिया जो है 15% था, किसी स्टेट का एरिया मान लो यूपी का एरिया बहुत बड़ा है तो उसको 15% मिलेगा, मतलब एरिया वाइज भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, ये 15% इसे 15%। पॉपुलेशन 1971 से जो पॉपुलेशन थी, जो 1971 का आधार था कि इस बेस पर टैक्स रिवॉल्यूशन होगा, तो ये 17% था, मगर ये 15th फाइनेंस कमीशन में हटा दिया गया। रटा होना चाहिए, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछती है। जो चीज़ हटा दी गई और जो चीज़ नई इनिशिएट की गई वो पता होना चाहिए। जैसे क्या नया इनिशिएट किया गया, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, ये देखो 14th फाइनेंस कमीशन में नहीं था मगर 15th फाइनेंस कमीशन में इसे ऐड किया गया। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस क्या होती है कि आप किस तरह का परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कि पॉपुलेशन आपने कम की है नहीं की है। साउथर्न स्टेट का यही तो आर्ग्यूमेंट था कि जो नॉर्थर्न स्टेट हैं लगातार पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा जो हम पॉपुलेशन घटा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा बेशक आपको हम बेनिफिट देंगे। तो 14th फाइनेंस कमीशन में डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस नहीं था मगर देखो कितना बड़ा एरिया ऐड किया गया, मतलब अगर आपने कम पॉपुलेशन की है तो आपको ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, ये हो गई पॉपुलेशन। 2011 देखो ऐड होती चली आई है और 15th फाइनेंस कमीशन में भी इसका शेयर बढ़ा दिया गया। 1971 की जो पॉपुलेशन है उसको हटा दिया गया, ये याद रखना। अब फॉरेस्ट कवर पहले था अब नहीं है, 14th फाइनेंस कमीशन में था अब नहीं है। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी बात तो वही है मगर रीनेम कर दिया इसे, ये देखो पहले नहीं था अब ये लाया गया नेट। टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट देखो पहले नहीं था 14th फाइनेंस कमीशन में मगर 2.5% लाया गया 15th फाइनेंस कमीशन में। तो क्या टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट क्या है, क्या आपने टैक्स कलेक्ट करने में कितनी मेहनत की है, क्या आप वास्तव में टैक्स कलेक्ट करना चाहते हैं या नहीं। तो आप आगे देखो, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया ऊपर के आधार पर, अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ईजिली कर दोगे। क्या है, फॉर द हॉरिजेंटल टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन। देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताना है या डिवोल्यूशन आप बताएंगे मुझे, कल मैं आपको वो कंफर्म कर दूंगा। 15th फाइनेंस कमीशन यूज्ड हाउ मेनी ऑफ द एबव क्राइटेरिया अदर देन पॉपुलेशन एरिया एंड इनकम डिस्टेंस, मतलब पॉपुलेशन एरिया और इनकम डिस्टेंस को हटाकर कौन कौन से नए चीज़ें 15th फाइनेंस कमीशन में आई है। देखो 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीलिम्स का, आप इसे इजी मत लेना, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो क्या है, पहला क्या है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस।
देखो मैंने बताया था साउथर्न स्टेट ने कहा कि भाई हम पॉपुलेशन कम कर रहे हैं तो हमें कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, तो 12.5% मिला, तो एकदम राइट हो गया। एक तो ये हो गया, ठीक है। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी बिल्कुल ऐड किया गया, आपको पता है फॉरेस्ट कवर था उसका नाम बदलकर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी कर दिया गया। 14 फाइनेंस कमीशन में फॉरेस्ट कवर था उसको हटा दिया गया और 15 फाइनेंस कमीशन में फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी ऐड किया गया, तो ये आपका दूसरा भी सही हो गया। गवर्नेंस रिफॉर्म ऐसा कहीं हमने ऊपर नहीं पढ़ा, स्टेबल गवर्नमेंट ऐसा कहीं ऊपर नहीं पढ़ा, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट 15 का फाइनेंस कमीशन में ऐड किया गया, तो 3 हो गए, ओनली 3 हो गए, ये आंसर हो गया आपका। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट आर्टिकल मनरेगा से रिलेटेड है। देखो एमजी नरेगा स्कीम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आया था 2005 में, इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम रख दिया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ आपको पता होना चाहिए ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है। डिमांड ड्रिवन स्कीम वो होती है कि आप जब भी इसकी डिमांड करेंगे तभी आपको मिलेगी। आप गांव में ऐसे ही घूम रहे हैं तो आप कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं कर रहे हैं और आप ऑलरेडी अनस्किल्ड हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि घर आके के जॉब मिलेगी, आपको जाना पड़ेगा प्रधान के पास, आपको नाम लिखाना पड़ेगा कि मैं अनस्किल्ड हूँ, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, क्योंकि ये अनस्किल के लिए है, आप वहाँ पर स्किलफुल नहीं बोल सकते, स्किलफुल बोलेंगे तो आपको वहाँ जॉब नहीं मिलेगी। तो मुझे जो है मनरेगा के तहत जॉब दी जाए, तो क्या प्रधान जी कहेंगे हाँ आपको 100 दिन की गारंटी मिलती है इस स्कीम के तहत, अगर आप हमारे यहाँ जॉब करना चाहते हैं तो वाटर से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करना पड़ते हैं, ये जो प्रोजेक्ट है इंडिया की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या आप करना चाहते हैं, वो कहेगा हाँ करना चाहते हैं। अब प्रधान जी किसी वजह से 15 दिन के अंदर उसे जॉब नहीं प्रोवाइड करवा पाए, अगर 15 दिन के अंदर उसे जॉब नहीं मिल पाई तो क्या होगा, उसे आपको भत्ता देना पड़ेगा, अलाउंस देना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कहते हैं जिसे, अब अलाउंस देना पड़ेगा तो बैठे बैठे आपको पैसा मिल जाएगा, तो ये बेनिफिट है। 15 दिन के अंदर आपको जॉब मिलना ही चाहिए। अब इन्होंने कॉस्ट शेयरिंग बताई है, कह रहे हैं कि सेंटर जो है 90% शेयर करती है और स्टेट गवर्नमेंट 10% करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट 50 भी कर देती है, कहीं 40 भी कर देती है, मतलब कुल मिलाकर ये स्कीम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी होती हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वो सी स्कीम होती हैं जिसमें सेंटर जो है आधा शेयर देती है, आधे से ज़्यादा देती है, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम होती हैं जिसमें सेंटर सबसे मतलब पूरा शेयर देती है। अब मनरेगा क्या है, मनरेगा से रिलेटेड मैंने आपको बताया एक्ट आया था 2005 में और इसको इम्प्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मत समझ लेना, यही तो दिक्कत होती है, शॉर्ट नोट्स बनाने वालों को सबसे आसानी यही होती है, अगर वो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं तो नहीं ये दिक्कत नहीं होती, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज आ जाएगा तो वहीं गड़बड़ हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसकी जो है नोडल मिनिस्ट्री है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मनरेगा में लीगल गारंटी मिलती है, मतलब स्टेचुटरी गारंटी है, एक्ट में डिफाइन किया गया कि 100 डे का आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही मिलेगा, बस आपको बताना पड़ेगा कि मैं अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर हूँ, मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है। अब तक जो है 14 करोड़ के करीब एक्टिव वर्कर हैं इसमें। मेजर फीचर क्या है कि 15 दिन के अंदर आपको जॉब मिलेगी, अगर 15 दिन के अंदर जॉब आपको नहीं मिलती है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। प्रायोरिटी क्या है, वीमेन को दी जाएगी, 1/3 वुमेन एटलीस्ट ऐड की जाएंगी, ऐसे UPSC को ऑप्शन बहुत पसंद आते हैं। सेक्शन 17 में क्या है मनरेगा के अंदर, सोशल ऑडिट का प्रावधान है। सोशल ऑडिट क्या होता है, मान लो कहीं पर ये रोड बन रहा है मेरे मोहल्ले में, अब ये रोड यहाँ से निकला, अब यहाँ पर जो रहने वाले घर के लोग हैं वो इस कॉन्ट्रैक्टर से ऑडिट कर सकते हैं कि भैया कौन सी बजरी लगी, कितना पैसा लगा, सीमेंट क्यों नहीं लगा, डंबर क्यों लगा, तो इस तरह सोशल ऑडिट होता है जो कभी हमारे इंडिया में हो ही नहीं पाता है, ये खाली कहने की बात है, सोशल ऑडिट कोई नहीं करता। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी मैंने आपको बता दी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोगों की लाइफ ऑफ स्टाइल को चेंज करना, परचेजिंग पावर को बढ़ाना, क्या होता है रूरल एरिया में पैसा होता नहीं है तो लोग कुछ परचेज भी नहीं करते हैं, वही गेहूँ वही धान वही सब बेचारे खाते रहते हैं, इसलिए रिसोर्सेज वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। अब क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे क्या होगा, हम बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कवर करेंगे। पहला नो पॉवर्टी, पॉवर्टी कम होगी, ऑब्वियसली बात है मनरेगा के तहत जॉब मिलेगी, पैसा आएगा, लोग एजुकेशन पाएंगे, मगर इतना नहीं मिलता है, मगर एक तरह से एज्यूम कर सकते हैं। जीरो हंगर होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG 2 को कवर करेंगे, SDG 3 को कवर करेंगे, गुड हेल्थ वेलबींग आएगी, 4 को कवर करेंगे, क्वालिटी मिलेगी एजुकेशन को, 5th को कवर करेंगे, जेंडर इक्वलिटी मिलेगी, 8th डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगा, 9 का मतलब I इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, R का मतलब रिड्यूस, 10 का मतलब रिड्यूस इनइक्वलिटी, ठीक है, ये देखो दोनों मिले हुए हैं।
पांच को अगर याद कर लेंगे तो 10 याद हो जाएगा। पांच कैसे, जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, दुगना कर दो 10, रिड्यूस इनइक्वलिटी की बात करता है। तो ये मनरेगा से रिलेटेड टॉपिक था, मैंने ए टू जेड मनरेगा के बारे में आपको बता दिया। अगर कोई पॉइंट छूट गया तो कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताइए, मैं भी देखता हूँ कि कैसे हमसे पॉइंट छूट जाते हैं। अगला पॉइंट, अगला जो आर्टिकल है वो फुजियारा इफेक्ट के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसको मैंने जानबूझ के डाला है क्योंकि ये मैंने न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ा है, मगर ये मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था। क्या है ये, बहुत ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगा। फुजियारा इफेक्ट क्या होता है, क्या होता है, जब हमारा इंडिया, ये प्यारा इंडिया है, यहाँ पर इक्वेटर है, जब दो साइक्लोन ऐसे एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, आपको पता है कि इक्वेटर के नीचे साइक्लोन जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, जबकि इक्वेटर के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। तो ये जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घूमते हैं तो ये जो ऐसे साइक्लोन आपस में आकर टकरा जाते हैं तो ये मिल जाते हैं, तो आपस में मिलने से बहुत डिवास्टेटिंग सिचुएशन मिलती है, तो इसी को हम फुजियारा इफेक्ट कहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, फुजियारा इफेक्ट आप चाहें इसे पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आर्टिकल हमारे आज के इंपॉर्टेंट थे। कोई भी प्रॉब्लम है आप टेलीग्राम चैनल पर हमसे बात कीजिए, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं बात करना चाहते हैं तो @WASIH34 पर मुझे मैसेज कीजिए टेलीग्राम पर, मैं आपके सवालों का ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच।